हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक नई वैकेंसी के बारे बात करेंगे, चलिए जानते हैं। अभी तो यहाँ पे आप जैसे देख सक रहे हैं, ये जो वैकेंसी है ये है ग्रामीण डाक सेवा के लिए, और इसमें टोटल वैकेंसी जो है 2582 वैकेंसी है। और इसकी जो पोस्ट पड़ेगी वो तीन स्टेट में पड़ेंगे। पहला आपका हो गया झारखंड, और दूसरा है हमारा पंजाब, और तीसरा है हमारा कौन सा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, ये तीन स्टेट में इनके पोस्ट पड़ेंगे, और टोटल वैकेंसी जो है वो 2582 वैकेंसी है। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 10th पास होना है। और भी चीज़ें हम डिटेल्स में जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैंने पहले भी आपको बताया है, क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे जस्ट 10th पास चाहिए। यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हो, क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात कर ले तो 10th पास आप होने चाहिए, और मैथमेटिक्स में आपके पासिंग मार्क्स होना चाहिए, और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने 10th पास किया हो, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है। और जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। इट मींस आपको झारखंड, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन तीनों स्टेट में से जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे वहाँ का लैंग्वेज, इट मींस लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है ना वो है 11 दिसंबर 2020। तो जितना जल्दी हो सकता है आप कर लीजिए अप्लाई इसके लिए, क्योंकि समय अब ज़्यादा रहा नहीं। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि कितने कौन से स्टेट में कितने पोस्ट हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में आपका टोटल पोस्ट होता है 1118 पोस्ट, मीन्स 1118 पोस्ट। फिर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में आपके जो टोटल पोस्ट है वो है 516, 516 पोस्ट अगर आप पंजाब के लिए करते हो तो। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट के लिए करते हो तो वहाँ पे टोटल पोस्ट आपका रहता है 948 पोस्ट, मीन्स 948 पोस्ट आप नॉर्थ ईस्ट के लिए कर सकते हो। और एक बात आपको बता दूँ फिर से कि आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करने वाले हो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना जरूरी है। और यहाँ पे हम बात करें कि इसकी जो साइट है वो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है, www.appost.in, ये हमारा ऑफिशियल साइट है अगर आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हो तो। और एक बात बता दूँ, जैसे कि हम हर फॉर्म में करते हैं, हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करके अच्छे से डिटेल्स आपका डालिएगा वहाँ, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, प्रॉब्लम ना हो आपके एडमिट कार्ड आने से। और बाकी सब तो आप जानते हो, आपका कलरिंग फ़ोटो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज का। सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी रिटेन एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, आपका मेरिट लिस्ट जनरेट किया जाएगा ऑटोमेटिकली। और पे स्केल की अगर हम बात करते हैं तो 12,000 पर मंथ आपका पे स्केल रहेगा। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर आप मेल हो, ये बस मेल के लिए है, ठीक है, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी मेल हैं उनको जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ उनके लिए हो जाता है। और अगर आप फीमेल हो या फिर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, SC ST कैटेगरी के लोग, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी कोई भी फ़ी नहीं है, 0 रुपीज़ है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो EWS कैटेगरी जनरल और OBC वाले बंदे हैं, मेल है, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ हो जाता है। और जो फीमेल है किसी भी कैटेगरी से, और या फिर मेल है SC ST कैटेगरी से, तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर, मुझे आशा है आपको सब समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में, कोई सवाल चल रहा हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे ज़रूर क्लियर करती हूँ हमेशा की तरह। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे चैनल से कोई भी जुड़ी नोटिफिकेशन और वीडियोस आपसे छूट ना पाए, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही अपडेट्स होते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ जो भी होता है हमारे एग्जाम से रिलेटेड, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।